Assalamu alaikum, you are listening Muhammad Hashmi and welcome to MH Computer Academy. So if you like my work, you can help me continue teaching by clicking the like button, by leaving a comment and by sharing this video with your friend. So now let's move to our today's topic. So our today's topic is go to statement in C++. यानि हम C++ लैंग्वेज के अंदर गो टू स्टेटमेंट का यूज़ देखेंगे कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। सो गो टू स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ कि गो टू स्टेटमेंट जो है हम यूज़ करते हैं कि जब हमने किसी स्टेटमेंट से जंप करना हो। मिसाल के तौर पर मैंने एक मेन्यू बनाया और उसके लास्ट में फिर मैंने एक ऑप्शन रख दिया कि अगर आप दोबारा मेन्यू में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अब क्या करेंगे। तो लास्ट में अब जब हैं तो हम क्या करेंगे, लास्ट में हम वहाँ पे लिखेंगे गो टू और उसके बाद उसका नेम, और जो लेबल का नेम होगा ना वो हम टॉप पे रख देंगे। सो गो टू क्या करेगा, वो उसको कंट्रोल को उसी प्लेस पे ले जाएगा, यानी दोबारा जो है कंट्रोल वो उसी प्लेस पे चला जाएगा और वहाँ से दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम फर्दर इसको एग्जाम्पल से भी अंडरस्टैंड करते हैं और इसको रीड आउट भी करते हैं, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो देखें डेफिनेशन, द गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग द कंट्रोल ऑफ अ प्रोग्राम टू अ गिवन लेबल। जो गिवन लेबल होगा तो वहाँ पे हमारे कंट्रोल को ले जाएगा, ट्रांसफ़र कर देगा। सो उसके बाद द सिंटैक्स इसका किस तरह का है, द सिंटैक्स ऑफ गो टू स्टेटमेंट लुक्स लाइक दिस, कि गो टू और उसके बाद आपने लेबल का नेम लिखना है, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे गो टू और यहाँ पे लेबल का नेम, और इस लेबल के नेम को जहाँ पे भी लिखेंगे ना तो ये जो कंट्रोल होगा वो यहाँ से उस प्लेस के ऊपर चला जाएगा। सो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल को भी देखते हैं। और सो प्रोग्राम स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, जिस तरह देखा आपने लेबल वन और गो टू लेबल टू और उसके बाद ये लेबल टू। अब ये क्या है, ये मेरे पास गो टू स्टेटमेंट है और यहाँ पर इसका हमने नेम क्या रखा, लेबल का नेम, वो है हमारे पास लेबल टू, और हम चाहते हैं कि यहाँ से फिर कंट्रोल डायरेक्टली यानी इन स्टेटमेंट को प्रिंट ना करे बल्कि यहाँ पे चला जाए डायरेक्टली। तो जब यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो यहाँ से फिर डायरेक्टली जंप करेगा, वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। सो हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं। सो गाइज हमने डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लिया और यहाँ से हम इसको कंट्रोल एन की हेल्प से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सो ये हमारे पास सेव हो चुका है। सो अब हम इसका यूज़ देखते हैं, हम एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद हम इसका यूज़ देखते हैं कि ये किस तरह यूज़ होता है। यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं कि एंटर अ नंबर, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको सीन करवा लेते हैं, नंबर जो है यूज़र एंटर करेगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो यूज़र है वो हमें बताए कि ये जो नंबर आपने एंटर किया है ये आपके पास इवन है कि ऑड है, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर परसेंटेज साइन और उसके बाद टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो आए उसके बाद। अब जो कंडीशन उसने प्रिंट करवानी है वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गो टू स्टेटमेंट, गो टू और उसके बाद इसका नेम लिखता हूँ कि जिस तरह हमने एग्जाम्पल में देखा लेबल टू, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। सो इसकी ब्रेसेस जो है ना वो हम यहाँ पे बंद कर लेंगे, ठीक है, हमने ब्रेसेस इसकी बंद कर दी। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे एल्स की बॉडी बनाएंगे। सो एल्स की बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, सी आउट ऑड नंबर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब देखिए जब ये हमारे पास अगर इवन नंबर होगा तो गो टू लेबल, लेबल का नेम लिखा, अब लेबल जाए कहाँ, अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो फिर ये शो तो कुछ नहीं करवाएगा ना, तो मैं इस एल्स के बाहर यहाँ पे लिखता हूँ लेबल टू और इसके नीचे जो है ना यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ सी आउट इवन नंबर। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एरर आ रहा है, और ये एरर किस चीज़ का है, देखिए हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक है, ये आपके समझाने के लिए है, वो ये है कि हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं देना बल्कि यहाँ पे हमने कॉलन देना है,
इस बात को आप याद रखेंगे। अगर ये मिस्टेक मैं शो ना करवाता तो मे भी हो सकता था कि आपको ये बात, इसके ऊपर आप ध्यान भी ना करते। इसका मकसद यही था कि आपको ये बात भूले ना। अब हम इसको दोबारा कंपाइल और रन करके देखते हैं। गाइस, अब ये हमारे पास प्रोग्राम जो है वो के तौर पर 12, तो देखें कि इवन नंबर उसने मुझे शो करवा दिया। आप देखें कैसे हुआ कि ये मेरे पास यहाँ पे नंबर है 12 और इसका जो इक्वल आता है 0 के, ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये गो टू लेबल टू, ठीक है। अब ये लेबल टू की ये जो स्टेटमेंट है, फिर ये कहाँ जाएगी, गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ये जाएगी यहाँ पे। अब इसके बाद हमने क्या लिखा, इवन नंबर। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।